बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे इन वीक 3 एंड लेक्चर नंबर 6 वी आर गोइंग टू स्टडी ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर्स। ये हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो गया, इसको हम अब देखते हैं। इस चैप्टर के अंदर ये सारे हमारे टॉपिक्स हैं, लेकिन इनमें से हम लोग सिस्टम कंपोनेंट्स को देखेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज को देखेंगे, सिस्टम कॉल्स के बारे में पढ़ेंगे, और हम देखेंगे कि सिस्टम प्रोग्राम्स क्या होते हैं और सिस्टम के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अब हम पढ़ेंगे। ये सारी जो चीज़ें हैं, आप पहले हम जो है आपके कंप्यूटर सिस्टम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स इसको क्विकली हम लोग देखते हैं आगे। जो कॉमन सिस्टम के जो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? वो ये होते हैं कि उसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ चाहिए होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर प्रोसेसेस जो है एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं और क्रिएट हो रहे होते हैं, रिमूव हो रहे होते हैं। सो पहले तो बात यह है कि हमें प्रोसेस को मैनेज करने की ज़रूरत है, यानी उसका उसको क्रिएट करने की, उसको रिमूव करने की, उसको रैम के अंदर रखने की, ये सारा मैनेजमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। नंबर एक, एक ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए जो प्रोसेसेस को मैनेज करे। सॉरी, इसके बाद स्टूडेंट्स ये होता है कि जो हमारे पास रैम होती है, क्योंकि प्रोसेसेस सारे रैम के अंदर जाएंगे, तो रैम को मैनेज करने की ज़रूरत है कि प्रोसेसेस को किस जगह पे स्टोर करना है, इसको फिजिकल मेमोरी को मैनेज करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट चीज़ ये है कि फाइल स्टोरेज को मैनेजमेंट करना है, यानी फाइल जो है वो आपकी डिस्क के अंदर पड़ी हुई है, उसको कैसे मैनेज करना है। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स अगर इन सब को हम देखें तो इन सब के ऊपर एक एक चैप्टर आपका मौजूद है, ठीक है। सो हम लोग चैप्टर्स के अंदर ये ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ जस्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये होती क्या है, व्हाट इज़ फाइल मैनेजमेंट, व्हाट इज़ प्रोसेस मैनेजमेंट, व्हाट इज़ मेन मेमोरी मैनेजमेंट एटसेट्रा। ओके, आईओ सिस्टम मैनेजमेंट, यानी इनपुट आउटपुट जो डिवाइसेज हैं, या आईओ जो है आपके जो भी है उसको हम किस तरह से मैनेज करेंगे, यानी इन डिवाइसेज को कैसे कंट्रोल करेंगे, उसकी मैनेजमेंट कैसे होगी, कौन सा आईओ जो है किस प्रोसेस को एलोकेट करेंगे, ये सारी चीज़ें जो हैं डिसीजन ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम के होते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज को हम कैसे मैनेज करेंगे, नेटवर्किंग को कैसे मैनेज करेंगे, प्रोटेक्शन सिस्टम को कैसे देखेंगे, और जो कमांड लाइन इंटरप्रेटर है, जो बेसिक आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कि वो कैसे होते हैं, फिर ग्राफिकल की भी बात करेंगे और साथ साथ हम इन चीज़ों को देखते जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, प्रोसेस मैनेजमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था, मैंने आपको याद होगा मैंने ये भी बताया था कि यहाँ पे जैसे ये टास्क मैनेजर मैंने आपके सामने ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पे अगर मैं कोई प्रोसेस अगर ओपन करता हूँ, सो ये मेरे पास, मैं रन के अंदर जाके एमएस पेंट को ओपन करता हूँ, तो आप देखिए ये पेंट मेरे सामने ओपन हो गया। मैं इसको यहाँ पे साइड में मूव करता हूँ, ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे आप देखिए टास्क मैनेजर के अंदर ये जो प्रोसेसेस हैं इसके अंदर पेंट आ गया, इसका मतलब ये प्रोसेस बन गया। ये डिस्क के अंदर पड़ा हुआ था प्रोग्राम, इसको मैंने लोड किया है रैम के अंदर, और ये हाँ जब मैं इसको क्लोज करूंगा तो ये रैम में से खत्म हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स जब ये प्रोसेस क्रिएट हुआ है तो इस प्रोसेस को डिटेल्स के अंदर अगर आप जाएं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप एम एस पेंट को देखेंगे तो स्टूडेंट्स ये वाला वो प्रोग्राम है एम एस पेंट जो मैंने ओपन किया था। आप देखें इसको एक आईडी असाइन किया है ऑपरेटिंग सिस्टम ने, ये जो आईडी इसको असाइन करना और रैम की किसी स्पेस को एलोकेट करना, देखें इतनी रैम इसको एलोकेट हुई भी है, और ये कोई किसी स्पेसिफिक जगह पे होगी, वो जगह यहाँ पे लिखी हुई नहीं है, ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली कोई ना कोई जगह तो रैम में होगी जहाँ पे ये पड़ा हुआ होगा, जो ऑपरेटिंग सिस्टम को जिसके बारे में पता है। सो स्टूडेंट्स ये सारा चीज़ आप देख रहे हैं, दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो आप देखें कि ये सारी ये चीज़ें जो हैं ये कोई ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोग्राम्स हैं जो इस सारी चीज़ को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। सो ये सारा सारा कुछ जो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस की इंफॉर्मेशन को मैनेज करना, कि प्रोसेस की आईडी उसको असाइन करना, यानी जब वो क्रिएट होता है तो उसको आईडी असाइन करना, जब वो डिस्ट्रॉय होगा तो ये आईडी वो खाली कर देगा, इसको वापस ले लेगा, ठीक है। लाइक देखिए अगर मैं इस प्रोग्राम को यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, यहाँ से आके क्लोज कर देता हूँ, तो आप देखें ये एम एस पेंट यहाँ से खत्म हो गया, वो आईडी भी खत्म होगी। सो आप देख रहे हैं कि ये सारा काम कौन कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है, ये बैकग्राउंड में इसको मैनेज कर रहा है, ठीक है, और ये स्टेटस भी नोट कर रहा है कि कौन सा प्रोग्राम रनिंग स्टेटस में है, कौन सस्पेंड मोड में है, एंड सो ऑन, ठीक है। सो कई प्रोग्राम है, आइडल होंगे, कोई
चीज हो सकती है वो यहाँ पे शो कर रहा होगा, ठीक है। यानी प्रोग्राम जो प्रोसेसेस हैं आपके उनके स्टेटस को भी वो नोट कर रहा है साथ साथ, ठीक है। और कितना सीपीयू की साइकिल्स यूज हो रही है यहाँ पर वो शो कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज अ प्रैक्टिकल थिंग, ये कोई ऐसी थ्योरेटिकल चीज नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सो आपको यहाँ से ये चीज क्लियर होगी, ओके। नाउ वापस आते हैं, प्रोसेस मैनेजमेंट ये सारा चीज है। प्रोसेसेस के बारे में कोई भी चीज, यानी उसको क्रिएट करना, उसको डिलीट करना, उसको सस्पेंड करना, ये सारी चीजें अभी मैंने आपको दिखाई, प्रैक्टिकली दिखाई है। अगर वो डेडलॉक हो गया प्रोसेसेस के दरमियान, उसको हैंडल करना। डेडलॉक का मतलब यह है कि प्रोसेस एग्जीक्यूट होने से रुक जाएंगे सारे, तो ऐसी चीज को डेडलॉक कहते हैं। उसको हैंडल कैसे करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसी सिचुएशन को भी हैंडल करता है। अक्सर आपने देखा होगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हॉल्ट हो जाता है या कोई प्रोग्राम हॉल्ट हो जाता है, तो आप उसको इसी तरह टास्क मैनेजर में जाके एंड टास्क कर लेते हैं, ये आपको मालूम है, ठीक है। सो आगे चलते हैं, नेक्स्ट चीज है मेन मेमोरी मैनेजमेंट। आपने देखा कि वो मेमोरी उसने एलोकेट की हुई थी, मैंने आपको वहां पे जब आपको टास्क मैनेजर दिखाया था तो वहां पे आपने देखा था मेमोरी एलोकेट हुई भी आपको नजर आ रही थी। सो मेमोरी प्रोसेसेस को मेमोरी कैसे एलोकेट करना है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेमोरी मैनेजमेंट होती है, ठीक है। सो इसको स्टडी करना, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट टाइम मैंने आपको थोड़ा सा ये बताया था कि लॉजिकली हमारा प्रोग्राम जो है वो लॉजिकल एड्रेसेस के ऊपर काम कर रहा होता है, ठीक है। और जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उन एड्रेसेस को रीलोकेट करता है दोबारा से, यानी उनको एडजस्ट करता है, क्योंकि एक्चुअली रैम के अंदर कहीं और डेटा स्टोर हुआ होता है, जबकि लॉजिकली हमने उसको 1 2 3 4 5 6 करके इंडेक्स दिया होता है, और उसका एक मैकेनिज्म मैंने आपको समझाया था लास्ट टाइम। तो ये यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट थोड़ा सा आपको इसके बारे में पता है, ठीक है। और इसको मजीद डिटेल में हम मेमोरी के चैप्टर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ओके। नेक्स्ट चीज है स्टूडेंट फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट ये बताता है कि अगर फाइल को क्रिएट कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, डायरेक्टरी कैसे क्रिएट करनी है, और डायरेक्टरी के अंदर कितनी फाइल्स आ सकती हैं, और उसके अंदर कितनी डायरेक्टरीज क्रिएट कर सकते हैं, उसकी लिमिट होती है याद रखिएगा, और क्या क्या आप यूज कर सकते हैं। सो ये सारी चीजें हैं, ठीक है, ओके। सो अगर मैं यहाँ पर आके स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखूं CMD, तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे आ जाता हूँ। देखिए ये कमांड प्रॉम्प्ट है, मैं इसको जरा स्मॉल कर लेता हूँ अपनी विंडो ताकि आपके इसके अंदर आ जाए, ठीक है। सो कुछ एरिया इसके बाहर निकलेगा तो मैं आपको कर सकता हूँ। सो ये क्योंकि विंडोज है तो इसके अंदर जो कमांड होगी वो dir/w, ये लिस्टिंग के लिए है। जैसे आप किसी विंडो को डबल क्लिक करते हैं तो लिस्ट आपके सामने शो हो जाती है, तो ये कमांड। अब देखिए ये कमांड लाइन के ऊपर मैं कमांड इशू कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि मेरे सामने ये डेटा शो हो रहा है। मुझे पता चल रहा है कि ये जो है ये डायरेक्टरी है, और इसी तरह अगर कोई फाइल होगी तो वो भी नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पे ये जो 3 फाइल्स हैं इसके अंदर 3 फाइल्स हैं और कुछ डायरेक्टरीज हैं। आप देखिए ये जो एक्सटेंशन के साथ ये नजर आ रही है ये फाइल है, और ये जो फाइल है इसका एक्सटेंशन JAR है, ठीक है, जार की फाइल है। यानी ये कोई एक ऐसा है जो कंप्रेस्ड फाइल है, ठीक है। सो ये इस तरह से है, एंड सो ऑन, इस तरह से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर डायरेक्टरी क्रिएट करनी है तो हमारे पास mkdir या md की कमांड होती है, और आगे हम डायरेक्टरी का नाम लिखेंगे तो वो डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी, ओके। सो ये इस तरह से हम कमांड लाइन पे इस तरह से काम कर सकते हैं। ये आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दिया, सो ओके, क्लियर हो गया आपको। डायरेक्टरी क्रिएशन, फाइल क्रिएशन, ये इस तरह से। अगर कमांड लाइन पे मैं बात करूँ, अगर मैं विंडोज की बात करूँ तो विंडोज के अंदर आप विंडोज एक्सप्लोरर को यूज करते हैं, जैसे इस तरह की विंडो है इसको यूज करते हैं। अगर फर्ज करें मैंने अपने मैंने इस सी ड्राइव के अंदर मैंने कोई चीज अगर क्रिएट करनी है तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इस फोल्डर को क्लिक करूंगा तो न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, या मैं क्या करूंगा मैं इसको फाइल को क्लिक करूंगा और यहाँ से भी आप कह सकते हैं न्यू कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, एंड सो ऑन, ठीक है। या एक और तरीका यह है कि मैं यहाँ पे राइट माउस क्लिक करूंगा, ठीक है, यहाँ पे किसी जगह राइट माउस क्लिक किया और न्यू क्लिक किया और मैंने कहा कि फोल्डर, तो यहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर देगा अगर मैं फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं फाइल क्रिएट कर रहा हूँ तो न्यू करके फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सो किसी ब्लैंक एरिया के अंदर आप करके तो फाइल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये स्टूडेंट्स आप इस यहाँ पे काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं डी में आ जाऊं तो यहाँ पे आप मसलन
न्यू के अंदर जाऊं तो मुझे फाइल्स भी क्रिएट करने दे रहा है। सो स्टूडेंट्स ये देखिए कि सी को उसने प्रोटेक्ट किया, मुझे वहां फाइल्स नहीं क्रिएट करने दे रहा, लेकिन डी में मुझे करने दे रहा है। ठीक है, सो आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम का बिहेवियर है, ये भी आपको नजर आ रहा है कि ये विंडोज 10 के अंदर हम काम कर रहे हैं। सो विंडोज 10 का बिहेवियर है ये। ओके, सो आपने बेटे देखा स्टूडेंट्स कि ये किस तरह से फाइल सिस्टम के अंदर हम इंटरेक्ट करते हैं, या हम कमांड लाइन के तौर पे काम करते हैं या ग्राफिकल सिस्टम के तहत करते हैं, और ये जो लैब के अंदर आप इस इन सारी चीज़ों को स्टडी करते हैं, वहाँ पढ़ते हैं। ठीक है, सो मैंने एक मुख्तसर सा आपको इंट्रोडक्शन दिया। ओके सॉरी, इसके बाद स्टूडेंट्स आईओ सिस्टम मैनेजमेंट के ऊपर देखते हैं कि इनपुट आउटपुट के सिस्टम को भी मैनेज किया जाता है। मैंने आपको बताया है कि कौन सी डिस्क, कौन सी ड्राइव किसको एलोकेट करनी है, सो बहुत एहतियात से इसको यूज करना था। डिस्क के अंदर बफरिंग भी होती है, कैशिंग भी होती है, स्पूलिंग भी यूज होती है। सारा डेटा जो है आपकी हार्ड डिस्क के अंदर होता है और मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर ही आता है। ठीक है, सो आईओ आपका जो वर्चुअल मेमोरी होती है वो भी आपकी हार्ड डिस्क के अंदर बनती है, उसको भी मैनेज करना होता है। ये सारी चीजें हम बाद में जब हम आगे चल के ये चैप्टर्स पढ़ेंगे उसके अंदर, ये डिटेल के अंदर ये चीजें पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट चीज है स्टूडेंट सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट। सेकेंडरी स्टोरेज से मुराद आपकी डिस्क है, स्टोरेज एलोकेशन है। देखिए आईओ के अंदर तो कुछ भी आ जाएगा, इनपुट के अंदर आउटपुट के अंदर कोई भी डिवाइस आ जाएगी। सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर आपकी जो लार्ज आपकी डिस्क होती हैं स्टोरेज, जिनके अंदर आप कर सकते हैं। अभी तो जाहिर बात है हम किसी को ये नहीं कहते कि कौन सी स्टोरेज स्मॉल है। इवन अगर आप यूएसबी के अंदर भी आ जाएं तो आपके पास बहुत लार्ज यूएसबी जीबीज के अंदर आपकी यूएसबीज आ रही हैं, और आपकी यानी 32 GB या 64 या 128 GB की भी USBs आपको मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। सो मैं कोई कहीं पे ये नहीं कह सकता कि हार्ड डिस्क लार्ज स्टोरेज है और USB नहीं है। सो रिलायबिलिटी की बात जरूर कर सकते हैं। ठीक है, सो ऑब्वियसली जो आपकी हार्ड डिस्क है या इलेक्ट्रॉनिक डिस्क या SSD आप बोलते हैं, वो ज़्यादा बेहतर स्टोरेज हैं, रिलायबल हैं। ठीक है, सो लेकिन स्टिल हमें पता होता है कि किसी वक्त भी डिवाइस या हार्डवेयर ख़राब हो सकता है, सो हम बैकअप को हमेशा कंसीडरेशन में रखते हैं। और नेटवर्किंग के बारे में मैं आपको कुछ मैंने बताया था, कुछ अभी पढ़ते हैं। देखिए नेटवर्किंग के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, तो इसको अभी देखते हैं स्टूडेंट्स। हमने पहले जो है जब हमने सिस्टम्स के बारे में पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि पैरेलल सिस्टम्स क्या होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स क्या होते हैं। सो मैं उसकी डिटेल के अंदर अभी नहीं जाऊंगा, वहीं पे डिटेल हो चुकी है। सो आपको ये मालूम है, जो आपका जो लास्ट चैप्टर था जो हमने पिछली दफ़ा पढ़ा था, आपका वीक नंबर 2 के अंदर जो वीडियोज़ हैं उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का सारे बारे में इंफॉर्मेशन मौजूद है। अगर आपको इसके बारे में क्लियर नहीं है तो काइंडली आप वो वाला सिस्टम दोबारा से उसको रिवाइज कर लें। सो इससे आगे चलते हैं। नेटवर्किंग के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स होते हैं, जो कि यानी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम आप यूँ कह सकते हैं कि जैसे आप अपने, चलें एग्जांपल दे देता हूँ, जीमेल की एग्जांपल दे देता हूँ। मेरा ये जो कंप्यूटर है ये क्लाइंट कंप्यूटर है, और मैं यहाँ से जब जीमेल के सर्वर को कनेक्ट करता हूँ तो वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता है। यानी उसका एक पार्ट जो है मेरे इस कंप्यूटर के अंदर होता है, यानी क्लाइंट मेरे कंप्यूटर के अंदर होता है, और जो सर्वर है वो कहीं पर भी हो सकता है, सिंगापुर में हो सकता है, USA में हो, कहीं पर भी हो सकता है। सो स्टूडेंट्स ये जो जीमेल के साथ मेरी कनेक्टिविटी है, जब मैं उसके साथ कनेक्ट हो जाऊंगा, मेरा सिस्टम जो है वो एक पीयर सिस्टम के तौर पर एक्ट कर रहा होता है। लेकिन जब मैं जीमेल के जरिए, जीमेल के क्लाइंट के जरिए या ब्राउजर के जरिए जीमेल सर्वर के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ, तो अब जो मेरा जो रिलेशनशिप है जीमेल के साथ वो क्लाइंट और सर्वर का है। मेरा कंप्यूटर जीमेल के साथ, मेरा जो कंप्यूटर है वो जीमेल का क्लाइंट है, और जीमेल सर्वर जो है वो मेरा सर्वर है। ठीक है, सो मैं उसके साथ मेल का काम कर रहा हूँ। सो सर्वर जो होता है वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो जीमेल जो है, जीमेल का जो सर्वर है वो मुझे ईमेल की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ओके, सो ये इस तरह से है, और क्लाइंट के तौर पर मैं उसके साथ कनेक्ट करके अपनी मेल का काम कर रहा हूँ। ठीक है, सो ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स होते हैं। इनको हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था सर, ये एक एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे शेयर कर दिया। ओके, आगे स्टूडेंट्स हम बात करते हैं प्रोटेक्शन सिस्टम की।
ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डिफरेंट चीज़ों को प्रोटेक्ट करता है। मैंने आपको अभी लास्ट टाइम मैं पूरा डिस्कस कर चुका हूँ कि वो इनपुट आउटपुट को प्रोटेक्ट करता है, सॉरी रैम को या मेमोरी को प्रोटेक्ट करता है एंड सो ऑन, और अपने जो है सीपीयू को या टाइमर वगैरह को प्रोटेक्शन का काम करता है। सो ये प्रोटेक्शन भी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो आगे चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम की एक टाइप है दैट वुड बी कॉल्ड एज कमांड लाइन इंटरप्रेटर, जो कि मैंने अभी आपको, ये जो है अगर मैं विंडोज के अंदर बात करूं तो ये मेरा कमांड लाइन इंटरप्रेटर है। मैं इसको रन करता हूं, सो ये मेरे सामने कमांड CLI मोड के अंदर ये चीज़ आ गई है, ठीक है। सो मैं इस विंडो को छोटा करके आपके सामने, सो ये आप देख रहे हैं कि ये एक प्रोग्राम है CMD के नाम से जो रन होता है यहाँ पर उसके अंदर, और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अंदर ये कमांड लाइन के अंदर आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे कमांड्स लिखते हैं और वो कमांड जो है एग्जीक्यूट होती हैं और आपके सामने रिजल्ट आता है, ठीक है। सो कमांड लाइन इंटरप्रेटर सिस्टम जो है या कमांड लाइन इंटरफेस सिस्टम जो है वो इस तरह से काम करते हैं, ठीक है। और ये विंडोज के अंदर जो कमांड लाइन इंटरफेस है उसको एमएस डॉस बोलते हैं, जो कि अभी आप देख रहे थे, और यूनिक्स के अंदर जो है उसको शेल बोलते हैं। सो ये मुख्तलिफ आपके कमांड लाइन पे है, आप कमांड लाइन पे भी काम कर सकते हैं, ग्राफिकल भी काम कर सकते हैं। ये जो मैं काम इस वक्त कर रहा हूँ ये ग्राफिकल है। ग्राफिकल के अंदर क्या होते हैं, आपके पिक्चर्स होते हैं, आइकन्स होती हैं, तस्वीरें होती हैं, और आप किसी भी आइकन को, किसी भी पिक्चर को डबल क्लिक करते हैं, या राइट माउस क्लिक करते हैं तो डिफरेंट कमांड एग्जीक्यूट होती है। मसलन आप किसी फाइल को अगर डबल क्लिक करेंगे तो क्या होगी, या वो फाइल, अगर वो एग्जीक्यूटेबल फाइल है तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, अगर वो कोई डॉक्यूमेंट है तो वो ओपन हो जाएगा। सो आप देख रही हैं कमांड डिफरेंट है, या एग्जीक्यूट हो रहा है या ओपन हो रहा है, या अगर वो फोल्डर है तो उसकी लिस्ट आपको शो हो जाएगी, जब आप उसको डबल क्लिक करेंगे तो उसकी लिस्टिंग शो हो जाएगी, ठीक है। सो आप देख रहे हैं कि जैसे कोई भी फोल्डर है उसकी लिस्टिंग आपके सामने, ऐसे जैसे आप ये देखिए कि फोल्डर की लिस्टिंग आपके सामने शो हो सकती है, ठीक है। सो कोई भी, अगर मैं, अगर फर्ज करें ये फोल्डर है, देखें इसकी लिस्टिंग आपके सामने ये शो हो रही है, ठीक है। और ये जो फोल्डर्स होते हैं विंडोज के अंदर, कोई भी जो प्रोग्राम है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, जो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि लूप होता है, याद रखिएगा, वो लूप की सूरत में चल रहा होता है और वो वेट कर रहा होता है आपसे कमांड के लिए। इसी तरह जब आप विंडो के अंदर एक विंडो ओपन करते हैं तो वो विंडो जो होती है वो एक लूप होती है, और वो विंडो जो है आपके लिए वेट कर रही होती है कि आप उस विंडो के ऊपर कोई कमांड एग्जीक्यूट करें। अगर आप उस क्रॉस साइन को क्लिक कर देंगे तो इसका मतलब है आपने विंडो को ये कहा है कि तुम अपने लूप को टर्मिनेट कर दो, वो लूप टर्मिनेट होता है और आप विंडो से एग्जिट हो जाते हैं। सो इस तरह से ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपका काम करता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट चीज बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, सर्विसेज की। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सैकड़ों सर्विसेज चल रही होती हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पर टास्क मैनेजर के अंदर मैंने आपको कहा था कि देखिए ये टास्क मैनेजर आ गया, ये मेरे पास टास्क मैनेजर है, इसमें मैं सर्विसेज को क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये सारी सर्विसेज चल रही हैं, और ये विंडोज 10 की बात हो रही है और आप देख रहे हैं कि ये सारी सर्विसेज यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रही हैं। सो इसको मिनिमाइज करता हूँ, ये इन सर्विसेज की हम बात करते हैं, ठीक है। अब ये जो सर्विसेज हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा होता है, बैकग्राउंड के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा होता है, तभी ये आपके सामने इतनी बड़ी स्क्रीन के ऊपर जो ये मुख्तलिफ चीजें आपको शो हो रही होती हैं तभी शो हो रही होती हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम इसको मैनेज कर रहा होता है। इवन जब आप माउस को मूव करते हैं तो आपको फील ही नहीं होता कि माउस कहीं कोई फर्क आया है, वो पिक्चर एकदम से अपडेट हो जाती है, ठीक है। वो इतनी स्पीड से अपडेट हो रही होती है कि आपकी आंख उसको पिक नहीं कर पाती, आपकी आई का जो ब्लिंक रेट है वो कम है, और इसका जो सीपीयू का जो आपका इसका स्कैनिंग रेट है वो फास्ट है, ठीक है। सो मॉनिटर का स्कैनिंग रेट जो है वो बहुत फास्ट होता है, आपकी आई की ब्लिंक रेट से ज्यादा होता है, इसीलिए आपकी आई उसको पिक नहीं कर सकती। ओके, सर्विसेज क्या होती हैं, उसके अंदर प्रोग्राम है जो एग्जीक्यूट हो गए, सिस्टम कैपेबिलिटीज टू लोड अ प्रोग्राम इन टू मेमरी, ठीक है। और जब लोड करेगा तो वो सर्विस बन जाएगी, ठीक है। और रन हो गया उस, जब प्रोग्राम को रैम के अंदर लोड किया उसके बाद वो एग्जीक्यूट हो सकता है, उसको रन किया, एग्जीक्यूट किया, ठीक है। एंड उसके बाद
जब वो प्रोग्राम कंप्लीट हो गया तो उसको एंड कर दिया, यानी उसको शट डाउन कर दिया, उसको उसको टर्मिनेट कर दिया प्रोग्राम को। अब जो टर्मिनेशन होती है प्रोग्राम की, या वो नॉर्मल होती है या एबनॉर्मल होती है। नॉर्मल टर्मिनेशन का मतलब यह है कि प्रोग्राम अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर चुका है और ऑपरेटिंग सिस्टम उसको टर्मिनेट कर देता है। और एबनॉर्मल का मतलब यह है कि अभी वो एग्जीक्यूट हो रहा था, किसी एरर की वजह से वो जो है प्रोग्राम को किल करना पड़ा है, या वो ऑपरेटिंग सिस्टम ने टर्मिनेट कर दिया या यूजर ने टर्मिनेट कर दिया। सो हम लोग किसी भी प्रोग्राम को यहाँ पे इसके अंदर आके, मैं किसी भी प्रोसेस को यहाँ से फर्ज करें लाइक मैं प्रोसेसेस के अंदर आता हूँ, और अगेन मैंने आपके सामने यहाँ पे आके देखें, मैं यहाँ पे आके MS पेंट को यहाँ चला लेता हूँ, ठीक है। और ये पेंट मेरे सामने आ गया, ठीक है, ये पेंट का प्रोग्राम मेरे पास चल रहा है, ठीक है। सो यहाँ से मैं इधर करता हूँ ताकि आपको इस एरिया के अंदर ये पेंट प्रोग्राम नज़र आता रहे। देखिए ये पेंट प्रोग्राम आपको नज़र आ रहा है। मैं यहाँ से इस पेंट प्रोग्राम को ओपन करता हूँ, मैं कहता हूँ कि इसको एंड टास्क कर दो, ठीक है। सो ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं प्रोसेस को टर्मिनेट कर रहा हूँ, प्रोसेस को ये जो है प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ, प्रोसेस को किल कर रहा हूँ, ठीक है। सो मैं एंड टास्क करूंगा तो देखिए वो प्रोसेस टर्मिनेट हो गया आपका, ठीक है। सो यूजर जो है वो, ये एबनॉर्मल टर्मिनेशन है, ये मैंने नॉर्मल टर्मिनेशन नहीं किया, ठीक है। ओके नाउ आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। ऑपरेशंस कुछ जो आपके हो सकते हैं, उसके अंदर कई ऑपरेशंस हैं जो आप सीपीयू कर रहा होता है, उसमें इनपुट आउटपुट के ऑपरेशंस हो सकते हैं, फाइल सिस्टम की मैनिपुलेशन हो सकती है, यानी कि फाइल रीड हो सकती है, राइट हो सकती है, क्रिएट डिलीट एटसेट्रा कुछ भी हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकती है, ये हो सकता है कि आप आपका एक प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम को कोई डेटा दे रहा है या उसे ले रहा है या नेटवर्क के ऊपर डेटा को सेंड कर रहा है एंड सो ऑन, ठीक है, ये इसको कम्युनिकेशन बोल लेंगे। और अगर कोई एरर आ रहा है तो एरर को डिटेक्ट भी ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है। सो नेटवर्क के ऊपर भी अगर डेटा जा रहा है और आ रहा है तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, नेटवर्क की मोस्ट ऑफ द लेयर्स आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होती हैं और वो उस उन लेयर्स को हैंडल कर रहा होता है और एरर को डिटेक्ट कर रहा होता है। अगर अगर डेटा करेक्टली दूसरे एंड पे नहीं पहुंचा तो एरर आ जाएगा, और इस एरर को डिटेक्ट करने के बहुत सारे मेथड्स हैं जो कि नेटवर्किंग में नॉर्मली आप पढ़ते हैं, ठीक है। सो आगे चलते हैं। OS सर्विसेज फॉर इंश्योरिंग एफिशिएंट सिस्टम ऑपरेशंस। ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज क्या करती हैं कि सिस्टम को एफिशिएंट रखने के लिए बहुत सारे काम करती हैं, मसलन रिसोर्सेज को एफिशिएंटली एलोकेट करते हैं, उसकी अकाउंटिंग करते हैं कि यार कोई डेटा जो, यानी ट्रैक रखती हैं कि कौन सी चीज़ जो है एलोकेट हुई भी है और कौन सी नहीं हुई है। सो अगर एक चीज़ ऑलरेडी एलोकेटेड है, मसलन प्रिंटर, अगर ऑलरेडी अगर एक प्रोग्राम, अगर एक प्रोसेस प्रिंटर को यूज़ कर रहा है तो वो प्रिंटर जो है किसी दूसरे प्रोग्राम को फौरी तौर पर इशू नहीं किया जा सकता। सो ये जो डेटा, जो अकाउंटिंग का डेटा होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इसकी बेस पे डिसीजन लेता है, ठीक है। और प्रोटेक्शन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसको नहीं डिस्कस करते दोबारा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्या है। बात आती है नेक्स्ट जो चीज़ है वो, विच इज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड सिस्टम कॉल। सिस्टम कॉल क्या है, सिस्टम कॉल क्या कहते हैं। नाउ इसके लिए मैं एक डायग्राम बना लेता हूं ताकि आपको समझा पाऊं। ओके स्टूडेंट्स, ये डायग्राम मैंने बना लिया है इधर सिस्टम कॉल समझाने के लिए। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑपरेटिंग सिस्टम। अगेन उसी तरह मैं बना लेता हूं, यहां पे लिख देता हूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम है और यहां पे यूज़र के प्रोग्राम लगे हुए हैं, ठीक है। सो ये यूज़र का एक प्रोग्राम है, यहाँ पर ये दूसरा प्रोग्राम, ठीक है। ओके सो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो है प्रोसेस वन है, और मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे प्रोसेस टू है। ओके फाइन, सो ये मैंने आपको ये बता दिया, ये डायग्राम मैंने बना दिया। अब स्टूडेंट्स देखिए, फर्ज करें ये एक प्रोग्राम है, और याद रखिएगा बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे होते हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर लिखे हुए हैं, ठीक है। मसलन मैं मिसाल आपको दे देता हूँ, फर्ज करें आपके पास एक प्रोग्राम, चले प्रोग्राम भी लिख लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ही ना रहे। आपके पास दो वेरिएबल थे, मैं पूरा प्रोग्राम नहीं लिख रहा हूँ, जस्ट एक लाइन लिख रहा हूँ। आपके पास दो वेरिएबल्स थे, एक जो था वो x था, ठीक है, और एक जो था वो आपका y था, ठीक है। सो आपने क्या लिखा, आपने लिखा सम
इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये अक्सर आप स्टूडेंट्स लिखते हैं, सी की ये स्टेटमेंट है, अक्सर आप ये लिख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स ये आपने लिख दिया, अब मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये होगा कैसे। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए ये जो काम है, ये जो मैं काम करवाना चाह रहा हूँ, ये जो सम है एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू के अंदर ऐड करना, आप ये सोचें, थोड़ा सा सोचें कि ये कौन करेगा। तो अगर आप गौर करें तो ये कोई प्रोग्राम नहीं करेगा स्टूडेंट्स। आपको पता है कि आपके पास एक हार्डवेयर है जिसे सीपीयू बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, या प्रोसेसर बोलते हैं। वो प्रोसेसर जो है वो क्या करता है, वो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस करते हैं। ये आईटीसी के अंदर पड़ा हुआ है, सो ये आईटीसी का काम है। बट मुझे, मैं आपको ये रिफ्रेश करवा रहा हूँ, दोबारा से बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मैं क्या, ताकि आपको ये अनक्लियर ना रहे, और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको ये समझ ही नहीं आएगी जो बात मैं कर रहा हूँ। सो स्टूडेंट्स, आईटीसी के अंदर आपने ये पढ़ा हुआ है कि आपके जो प्रोसेसेस हैं, जो डेटा है सिस्टम, हम बात कर रहे थे कि आपके पास दो प्रोसेस हैं और ये चीजें। अब आपका सीपीयू जो है वो क्या करता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस करता है। सो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस सीपीयू आपका करता है। सो सीपीयू अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन जब करेगा, अरिथमेटिक ऑपरेशन के अंदर क्या आता है, एडिशन, जो कि हम कर रहे हैं, ठीक है, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, और आपका अगर रिमाइंडर आता है तो वो भी उसके अंदर आ जाता है, ठीक है। सो ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं। और लॉजिकल ऑपरेशंस के अंदर क्या आएगा, लॉजिकल ऑपरेशंस के अंदर ये आ जाएगा कि क्या दो वैल्यूज बराबर हैं, इक्वल हैं, ग्रेटर देन है, लेस देन है, और इस तरह के रिलेशनल ऑपरेटर्स के साथ जो आप लगाते हैं, ये सारे ऑपरेशंस कौन करता है, सीपीयू। सो इसका मतलब ये है कि ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम तो आपका जो है सीपीयू ने जो है परफॉर्म करना है, यानी हार्डवेयर ने परफॉर्म करना है। तो ये जो यूजर का प्रोग्राम है जिसको ये चीज चाहिए थी, ये इस यूजर के प्रोग्राम को ये चीज चाहिए थी। अब ये प्रोग्राम ये चीज कर सकता है, नहीं कर सकता ऑब्वियसली, क्योंकि हार्डवेयर को ये नहीं एक्सेस कर सकता। हार्डवेयर को कौन एक्सेस करेगा, ये, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि ये जो सम करने का जो प्रोग्राम है, ये यहाँ पे कहीं सीपीयू के अंदर, फर्ज करें मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये वो सम का प्रोग्राम है जो लिखा हुआ है, ठीक है। सो मैं कह देता हूँ कि सम करने के लिए, यानी ये जो प्रोग्राम है, यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा हुआ है जो कि क्या काम करता है, जो कि सम करता है, ओके, वैल्यूज को, जितनी भी वैल्यूज है, हमें इसे गर्ज नहीं है। ये सीपीयू ने सिर्फ एक प्रोग्राम लिखा हुआ है जो कि सम करता है, ठीक है। सो सीपीयू जो है इस प्रोग्राम को यूटिलाइज करता है, ऑब्वियसली ये इसको यूं कर लो ऐसे, ठीक है। सो ये वाली जो चीज है, ये इसके अंदर जो लिखा हुआ है, ये प्रोग्राम सम करता है, ठीक है। अब अगर इस प्रोसेस को सम करवानी है कोई चीज, तो ये प्रोसेस क्या करेगा, ये यहां से यहां पे इस प्रोग्राम पे शिफ्ट करेगा। यानी ये प्रोग्राम असल में क्या कर रहा है, ये क्या चीज है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, ये इस ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉल कर रहा है, कह रहा है कि भाई मुझे ये वाला प्रोग्राम, ये वाला काम करके दो। दिस इज कॉल्ड सिस्टम कॉल। सो जब यूजर प्रोग्राम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोग्राम को कॉल करता है, दिस इज कॉल्ड सिस्टम कॉल। सो यूजर प्रोग्राम जो है वो क्या करता है, यूजर एरिया से कर्नल एरिया के अंदर आ जाता है, और कर्नल एरिया जो है उसके अंदर वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट, यानी सीपीयू को ये दोनों वैल्यूज जो है, ये वैल्यूज दोनों इसको ये दे देगा। ये क्या करेगा, ये दोनों पैरामीटर पास करेगा सीपीयू को। सीपीयू अपने रजिस्टर्स को यूज करते हुए इन दोनों वैल्यूज को कैलकुलेट करेगा, और एक्यूमुलेटर के अंदर उसका सम आएगा, और उस सम को जो है वो यहाँ पे रिटर्न होगा, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम इस सम को यहाँ पे रिटर्न करेगा, और ये बहुत फास्ट होगा काम, ओके, नैनो सेकंड्स के अंदर ये ऑपरेशन होगा, ओके। सो यहाँ से हो सकता है कि वैल्यू जो ट्रांसफर है रैम के अंदर थोड़ा स्लो हो,
बट आप याद रखिएगा वन सीपीयू के पास ये दोनों वैल्यूज चली गई तो वो नैनो सेकंड के अंदर काम होगा। ओके सो होपफुली मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि जब भी यूजर प्रोग्राम सिस्टम के प्रोग्राम को कॉल करेगा तो हम कहेंगे कि वो सिस्टम कॉल है, ठीक है। और ये सिस्टम कॉल का प्रोसीजर है बहुत लंबा चौड़ा, वो सारे को हम देखेंगे यहाँ पर, हम स्टडी करते हैं। सो ये मेन ये थीम ये थी मेन, मैंने कहा कि आपको समझा दूं। ओके नाउ आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। नाउ हमारे पास सिस्टम कॉल हम समझ गए, ठीक है। नाउ अब क्या करते हैं, हम कहते हैं कि सिस्टम कॉल इज यूज टू कंप्लीट अ स्पेसिफिक टास्क, ठीक है, रीडिंग इनपुट फाइल नेम, ठीक है। यही बात बोली थी मैंने, कहा था कि कोई वेरिएबल, मैंने तो आपको सिंपल प्लस दो वैल्यूज को प्लस करवाना है। अब ये जो फाइल को रीड करना है ये हार्ड डिस्क के अंदर से रूट करना है। अगेन आपको पता है कि ये प्रोग्राम जो है वो हार्ड डिस्क के अंदर से जो डेटा फेच करके लाना है, ये प्रोग्राम आपका कर्नल का प्रोग्राम है, ठीक है। ओपनिंग अ फाइल, अगेन वही बात है, ठीक है। डिलीटिंग अ फाइल, अब आपने क्या करना है, डिस्क के अंदर से जाके फाइल को डिलीट करना है, यानी बेसिकली डिलीट जब आप करते हैं तो फाइल के सिर्फ जो एलोकेशन टेबल, जो आपका फाइल एलोकेशन टेबल होता है उसके अंदर लिस्टिंग बनी होती है, उस लिस्टिंग के अंदर से वो वाली जो लिस्ट के अंदर जो एंट्री होती है वो एंट्री डिलीट करते हैं, फाइल को डिलीट नहीं करते। फिजिकली डिस्क के ऊपर से फाइल को इरेज आप नहीं करते, वो डेटा फाइल के ऊपर पड़ा रहता है। इसी वजह से वो जब आप रिकवरी करते हैं तो फाइल रिकवर भी बाज़ औक़ात हो जाती है और बाज़ औक़ात नहीं भी होती, ठीक है। अगर वो ओवरराइट हो जाए तो वो रिकवर नहीं होती। इसी तरह कोई मैसेज अगर प्रॉम्प्ट होगा तो उसके लिए ऑब्वियसली जब आपको मैसेज प्रॉम्प्ट होगा, आपकी स्क्रीन के ऊपर कोई मैसेज आता है, फर्ज करें आप सी इन करते हैं, तो आपको इनपुट किसने देनी है, यूजर ने। तो अब तो ये जो प्रोग्राम है इनपुट कौन करवाता है, इनपुट के लिए आपको कीबोर्ड से वैल्यू गेट करवानी है, अगेन हार्डवेयर आपका इस्तेमाल हो रहा है। तो ऐसी सूरत के अंदर अगेन आपकी सिस्टम कॉल होगी, ठीक है। सो याद रखिएगा ये बहुत सारी एग्जांपल्स मैंने आपको दी हैं, अब आपको सिस्टम कॉल बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। जब भी कोई हार्डवेयर यूज होता है तो उस वक्त सिस्टम कॉल होता है, एक हार्ड एंड फास्ट चीज तो इस तरह हम कह सकते हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल्स की। सो टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल्स को हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ये हमारी वीडियो बहुत बड़ी होगी, इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं। ओके okay.